हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मेट जी, और मैं हूं आपका मेंटर अविनाश सर। तो मैं फिर आज एक न्यू टॉपिक को लेके आपके साथ हाजिर हूं, और प्लीज बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। तो ये जो हमारा फर्स्ट स्लाइड है, इसमें मैं टीथ को अपने जॉ बोन के सॉकेट पे अरेंजमेंट की बात करने जा रहा हूं। डायग्राम वैसे टफ नहीं है, ये हर कोई समझ सकता है, लेकिन नीट के पर्पज से ये क्वेश्चन कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले आप जो टीथ देखते हो अपना या किसी और का, उसका अरेंजमेंट यूं होता है, और ये जो डायग्राम दे रखा है वो यूं दे रखा है। तो सबसे पहले आप जो 2 1 2 3 2 1 2 3 का अरेंजमेंट देख रहे थे, वो रिवर्स इस पे जाने वाला है। तो इसीलिए आप इसकी शुरुआत यहां से, जो हमने इंसीजर की बात करी थी वो इंसीजर यहां था। तो देखो 2 1 2 3, तो 2 1 2 3 जो ये टू साइड वाला क्या था, इंसीजर। फिर देखो ये दोनों इंसीजर, ये केनाइन, ये प्रीमोलर, एंड दिस वन इज 2 1 2 3 मोलर। तो ये रिवर्स अरेंजमेंट है, शायद ये उस नजर से क्वेश्चन आए तो आप ये रिवर्स कर सकते हो, इसे हम कॉमन ह्यूमन एरर में ले सकते हैं। और नीट के लिए मैं और दूसरी बात को यहां पे बताना चाह रहा हूं, ये जो जॉ बोन है, इसके जो टिथ के जो सॉकेट है जिसपे ये सॉकेट पे अरेंज है, इसके रूट, इसे एक्चुअली टिथ का हम रूट कैनाल बोलते हैं, जो यहां से रूट अंदर जाके वो फिट होता है। और ये अगर सेप हमें उठा के दे दें और ये देखिए अरेंजमेंट की ये कौन सा टिथ है, तो शायद ये क्वेश्चन आपके लिए एक बहुत ही बड़ा बाउंसर होगा। और वैसे क्वेश्चन को अगर गलत करते हो तो 4 मार्क्स, और 4 मार्क्स आपको मेडिकल के किस कॉलेज से कहां तक पहुंचा देगा ये आप खुद इमेजिन कर सकते हो। सो प्लीज बी केयरफुल एंड जस्ट लिसन दीज वर्ड्स, दीज ऑल टीथ अरेंजमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स अरेंजमेंट इन द जॉ बोन। और अगर जॉ बोन की बात की जाएगी तो ये हमारा होगा मैक्सिला, मैंडिबल मैक्सिला, जो मैंडिबल लोअर जो की बात ये की जा रही है। वैसे ये क्लियर नहीं किया कि लोअर जो है अपर जो है, लेकिन जो ये दिख रहा है उस हिसाब से, बट क्वेश्चन में फिर भी आप ध्यान से इसे इमेजिन कर सकते हो। राइट, नाउ आवर नेक्स्ट स्लाइड, हम इस पॉइंट को देखें, ये पॉइंट हम लोगों ने पहले भी कर रखा है, इसोफेगस फूड पाइप, ट्रैकिया, विंड पाइप, ये हमारे फेरिंग्स में ओपन होते हैं, और वो दोनों की ओपनिंग जो है वो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि वो स्पेशल स्ट्रक्चर से गाइडेड होते हैं, और गाइडेड स्ट्रक्चर का नाम हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। राइट, देन कार्टिलेजियस स्लैब इज एपिग्लॉटिस, तो एपिग्लॉटिस कार्टिलेजियस नेचर का होता है, बोन ही नहीं होता, प्रिवेंट एंट्री ऑफ द फूड इनटू ग्लॉटिस, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां जो मैं बताना चाह रहा हूं आप ध्यान से देखना, ये है हमारा दो पाइप। अगर हम अरेंजमेंट की बात देखें तो ये हो जाएगा वेंट्रल और ये हो जाएगा हमारा डोर्सल। वेंट्रल स्ट्रक्चर जो है वो हमारा विंड पाइप, डोर्सल स्ट्रक्चर फूड पाइप है, तो इसमें कोई कार्टिलेजस रिंग नहीं होते, इसमें सेमी सर्कुलर कार्टिलेजस रिंग होते हैं। तो ये हमारा हुआ ट्रैकिया और ये हो गया ओसोफेगस फूड पाइप और विंड पाइप, और ये वेंट्रल होगा और ये इसके रिस्पेक्ट में डोर्सल होगा। मैं किसी एक दिन स्पेशल डोर्सल वेंट्रल इंटीरियर पोस्टीरियर को डील करूंगा, ये मैंने आपसे प्रॉमिस करा है। तो आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, ओपनिंग ऑफ फूड पाइप इज गलेट, यानी ये जो फूड पाइप है, ये जो फेरिंग्स में ओपन होगा इसे हम बोलेंगे गलेट, और ये जो फिन पाइप है इसकी ओपनिंग को बोलेंगे ग्लॉटिस, एंड दिस वन इज गार्डेड बाय एपिग्लॉटिस, एंड एपिग्लॉटिस इज दैट कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर। Now, esophagus is thin. देखो ये हमारे esophagus के नेचर की बात कही जा रही है, इसमें मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ रहा हूँ और आप भी ध्यान रखोगे, थिन, क्योंकि आपको ऐसे लगेगा बोनी स्ट्रक्चर है ये थिन के बदले थिक हो सकता है, नहीं, ये थिन, वो थिन जिस रीजन से कहा जा रहा है आप उसमें ज्यादा ये नहीं कहोगे कि मैं थिन क्यों बोलूंगा कि वो तो थिक है, बोन है, कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर है, उसका वो एक अपना पैरामीटर है। लॉन्ग ट्यूब ये सबको पता है, एक्सटेंडेड पोस्टेरियरली पासिंग थ्रू द नेक, थोरैक्स एंड डायफ्राम। देखो डायफ्राम के बारे में फिर एक इंपॉर्टेंट नीट का क्वेश्चन, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल होता है, मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स,
और ह्यूमन एक मैमल्स प्राइमेट्स मैमल्स में तो ये तो होगा ही. देन लिफ्ट्स टू जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टमक, यानी हम स्टमक तक पहुंच चुके हैं. तो हम पहले इसकी एनाटॉमी को देख लेते हैं, फिर स्ट्रक्चर को हम समझ पाएंगे. दिस इज आवर स्टमक. देखो पहले ओल्ड बुक के हिसाब से इसमें नाम में और अभी न्यू एक नेम ऐड है, तो इसे आप जरूर मेंशन करें. इसलिए मैं सबसे पहले बॉडी की बात कर रहा हूँ, ये न्यू बुक के हिसाब से. और मैं न्यू बुक क्योंकि मैं अपडेट रहता हूँ, जिसके मेंटर अपडेट रहेंगे तब तो उसके स्टूडेंट भी अपडेट होंगे. क्योंकि आपको डॉक्टर बनना है तो आपको न्यू चीज़ों से बिल्कुल, क्योंकि एक क्वेश्चन का मामला है 4 मार्क्स. यू नो एम से आप पहुंच जाओगे पता चला पटना मेडिकल कॉलेज, तो ऐसा नहीं होने दूंगा. एसोफेगस, एसोफेगस जो है ये यहाँ ओपन हो रहा है और ये स्टमक का जो पार्ट है यहाँ पे एक स्पिंक्टर है. स्पिंक्टर वो स्ट्रक्चर है जो दोनों साइड के मूवमेंट को देगा. आपको खाना है तो खाना अंदर भी आएगा, जब वोमिटिंग का मन हुआ तो बाहर भी जाएगा. और इसे हम लोग बोलते हैं स्फिंक्टर. और जिस स्फिंक्टर का नाम है वो आगे मेंशन है आपके नोट्स में भी, इसोफेजियल स्फिंक्टर भी बोलते हैं और कार्डियक स्फिंक्टर इसके नाम से. देखो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पे है कि कार्डियक नाम आपको हार्ट की याद दिलाएगा, लेकिन ये हार्ट नहीं है, लेकिन ये क्लोज टू हार्ट है. इसलिए आपको क्वेश्चन में अगर पूछे कार्डियक इज द रीजन विच इज बिलोंग्स टू हार्ट और स्टमक, देन इनफैक्ट स्टमक इंटेस्टाइन जिस रीजन में ये क्वेश्चन क्रिएट हो. तो ये कार्डियक स्फिंक्टर यहाँ पे होगा, ये पार्ट है, ये फंडस अपर पार्ट है. यू नो इसमें गैस फिल्ड होते हैं, आप जब खाना खाते हो खाना खा के जो बेल्चिंग करते हो वो बेल्चिंग इसी गैस के रिलीज होने से होता है और हमें लगता है कि हमारा पेट बढ़ गया. ये एक सिग्नल भी है. नेक्स्ट बॉडी न्यू पार्ट है. देन पाइलरी, पाइलरी रीजन जो है वो नेक्स्ट पोस्टीरियर रीजन, और यहाँ पे एक स्फिंक्टर होगा और ये ड्यूरिनम में खुलेगा और इसे बोलेंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर. पाइलोरिक स्फिंक्टर नाउ, अब इसके डिटेल जो अभी हमने ये देखा इसे हम लैंग्वेज में देखते हैं. मस्कुलर स्फिंक्टर, दैट मस्कुलर स्फिंक्टर इज गैस्ट्रोइसोफेजियल और कार्डियक. ये सबसे इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, इसे प्लीज आप ध्यान रखो, इसे भूलना मत. और कार्डियक से आप हार्ट मत समझ जाना. और ये रेगुलेट क्या करेगा, ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इनटू स्टमक, जो फूड आ रहे हैं जो भी चीज नीचे आएंगे उसे रेगुलेट करेंगे. द स्टमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन, मैंने पहले भी बोला था लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में स्टमक है. स्टमक हैज फोर एनाटॉमिकल रीजन, अभी जो हमने इस डायग्राम में देखा 1, 2, 3, 4, ये फोर रीजन को हमने नेम दिया, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ न्यू बुक के अकॉर्डिंग. नाउ स्टमक इज फॉर स्टमक हैज फॉर एनाटॉमिकल रीजन फंडस, फंडस फंडस अपर पार्ट है, कार्डियक नियर टू हार्ट है. और मैं एक बात बताऊं इससे रिलेटेड, जब एसिडिक फूड आप खा लोगे नींद आपकी पूरी नहीं होगी, इनएडिक्वेट फूड है, इनसफिशियंट स्लीप है, टाइडनेस है, तो यहां पे आपको एक हार्ट बर्न होगा. और हार्ट बर्न इज नॉट अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू हार्ट, इट्स रिलेटेड टू योर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम और आपका स्टमक में एसिडिक फूड है. बॉडी ये न्यू बुक से ऐड, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट. एंड लास्ट वन इज पाइलोरिक. तो आज के क्लास में मैंने जितने टॉपिक को कवर करने की कोशिश किया, आई होप कि आपको काफी अच्छे से तरीके से समझ आ गया. फिर भी अगर कुछ आपको डाउट हो, आप कुछ हमसे ऐसे लेवल पे डिस्कस करना चाहते हो जो आपको नहीं समझ में आया, तो प्लीज आप हमारे वेबसाइट पे भी आ सकते हो और कमेंट में भी आप दे सकते हो. ओके, इफ माई एफर्ट इज रियली हेल्पफुल फॉर यू, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम न्यू टॉपिक के साथ विद द फूल ऑफ एनर्जी. ओके, बाय बाय फ्यूचर डॉक्टर.